गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम माय चैनल फार्माजी स्टडी। टुडे विल गो डिस्कस अबाउट द फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट सेकंड, हीट ट्रांसफर का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन का मैकेनिज्म, भी सुटेबल एग्जांपल एंड डेरिवेशन एंड बफल्स, उसके साथ साथ में ग्रे बॉडी एंड ब्लैक बॉडी के साथ हमने उसको कंप्लीट कर लिया था। अब बात आती है हमारी एक्सचेंजर्स की बात, जो हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक एक्सचेंजर्स होते हैं, एक इंटरचेंजर्स होते हैं। तो जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं उसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, एक सेल एंड ट्यूब हीटर एंड मल्टीपास हीटर, और जो दूसरा होता है हमारा लिक्विड टू लिक्विड चेंजर्स, मतलब लिक्विड टू लिक्विड हीट चेंजर्स होता है, एंड दूसरा हमारा डबल पाइप हीटर होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। हीट एक्सचेंजर्स एंड इंटरचेंजर्स की डेफिनेशन क्या है। हीट एक्सचेंजर्स आर दैट डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम हॉट गैस टू लिक्विड थ्रू मेटल बार, मतलब जो स्टेट ऑफ मैटर होता है इसमें चेंज हो जाता है और हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, लाइक एज गैस टू गैस एंड लिक्विड टू गैस टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। और जो हीट इंटरचेंजर्स होता है, द डिवाइस यूज टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड, मतलब स्टेट ऑफ मैटर होता है इसमें सेम रहता है और गैस टू गैस थ्रू अ मेटल बार। अब हमारा हीट एक्सचेंजर्स डिवाइसेस सेल एंड ट्यूब हीटर, मल्टीपास हीटर एंड टू पास फ्लोटिंग हीट हीटर होता है, जिसमें से हम दो पढ़ेंगे, सेल एंड ट्यूब हीटर एंड मल्टीपास हीटर। एप्लीकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर के एप्लीकेशन क्या है। हीटिंग और कूलिंग ऑफ फ्लूइड स्ट्रीम, मतलब कोई आप लिक्विड लेते हैं, अगर वो ज़्यादा हीट है तो उसको कूल करने का भी इसमें कर सकते हैं, अगर कूल है तो उसको हीट करने का भी कर सकते हैं। टू रिमूवल हीट, मतलब रिकवर हीट। स्टेरिलाइज, अब यहाँ पे बात आती है, एक पॉइंट है स्टेरिलाइज। आपने ऑटोक्लेव पढ़ा, अब मैंने आपको फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में ऑटोक्लेव को डिफाइन किया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि जो ऑटोक्लेव का वर्किंग होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पे फॉर 30 मिनट के लिए, जिस कारण से वहाँ पे सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किल हो जाते हैं। वही एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, स्टेरिलाइज, पाश्चराइज, फ्रैक्टनेशन, डिस्टिल कंसंट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और कंट्रोल प्रोसेस फ्लूइड्स, एयर कंडीशनिंग सिस्टम, मतलब जो आप घर में एसी वेसी लगाते हैं जिससे आपको ठंडी हवा मिलती हो, जो आपकी गर्म हवा होती है वो बाहर निकल जाती है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर, ठीक है। तो जो पहला हमारा हीटर है वो सेल एंड ट्यूब हीटर है। दिस सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर्स आर द मोस्टली कॉमनली यूज डैट एक्सचेंजर्स इन द केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज। दिस इज द सिंगल पास ट्यूबुलर हीटर। इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं क्या है। दिस टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर्स कंसिस्ट ए बंडल ऑफ ट्यूब्स प्रॉपरली सिक्योर्ड एट इन द ट्यूब सीट, मतलब जो ये होता है इसमें बीच में हमारे बंडल्स ऑफ ट्यूब्स, मतलब ट्यूब्स के कुछ गुच्छे होते हैं जिस कारण से वो गर्म हो जाते हैं, मतलब उसमें जब स्टीम इनलेट कराते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं, जिस कारण से जब उसमें फ्लूइड इनलेट कराएंगे, कोई अदर लिक्विड हम इनलेट कराएंगे तो वो हमारे हीट हो जाते हैं। द मेटल सीट हैव होल इन व्हिच द ट्यूब्स आर फिक्स्ड एंड आर लीक प्रूफ। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे ट्यूब्स होते हैं वो होल से ज्वाइंट होते हैं, जैसे आपने ट्यूबलाइट देखा है, ट्यूबलाइट के जब दोनों सिरों को हम एक होल में तो फिट करते हैं, ठीक है, तो इस कारण से वहाँ पे हमारी कोई क्षति पहुँचने की क्षमता नहीं रहती है कि जिससे हमको कहीं जल जाए या कुछ हो जाए वगैरह वगैरह हो जाए, वहाँ पे वो एकदम लीक प्रूफ हो जाता है। द इंटायर बंडल इज प्लेस इनसाइड ए क्लोज्ड इन विद द इमिसिबल जोन्स, मतलब ऐसा, मतलब जो हमारे ट्यूब्स लगे होंगे ऐसा लगा होगा कि जो आपस में ज्वाइंट नहीं होंगे, बट थोड़ी थोड़ी ऐसा लगेगा कि ज्वाइंट हैं, बस वो ज्वाइंट नहीं रहेंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमारे फिटेड रहेंगे। फॉर हीट फ्लूड्स एंड कोल्ड फ्लूड्स आर प्रेजेंट, देयर आर आल्सो प्रेजेंट सम पार्ट, कुछ पार्ट्स और वहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे स्टीम इनलेट, जहाँ से हम स्टीम को इनलेट कराते हैं, कंडेंसेट आउट, मतलब कंडेंसेशन का क्या मतलब होता है, गैस कनेक्टेड टू लिक्विड फॉर आउटपुट, स्टीम वेंट, मतलब जो हमारी वेस्ट स्टीम होती है उसको रिमूव करने के लिए। अब यहाँ पे हम वर्किंग इसकी पढ़ते हैं, वर्किंग क्या है। आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टीम लिक्विड इनलेट लगा हुआ है, तो मतलब यहाँ से हम अपना मटेरियल डालेंगे, ठीक है, और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर है, मतलब यहाँ से हमारा जो लिक्विड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ के लिए, यहाँ के लिए। जब ये यहाँ से जाएगा तो ये हमारी हीट जो है, ये हमारी ट्यूब्स है, यहाँ से जब हम स्टीम को इनलेट कराएंगे, मतलब हम यहाँ पे कुछ गर्म पदार्थ जैसे स्टीम इनलेट कराएंगे, तो ये हमारी हीट हो जाएगी, जिस कारण से जो हमारी लिक्विड इसमें इनलेट कराएंगे वो हमारी हीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंडेंसेट लिखा हुआ है, यहाँ से जो हमारा प्रोडक्ट होता है वहाँ ऑब्टेन कर लेते हैं, और जो हमारा लिक्विड बचता है वो यहाँ से हमारा आउटलेट पर जाता है, और हीट के कारण जो लिक्विड हमारा वेपोराइड हो जाता है वो यहाँ से वेपोराइजेशन के द्वारा हमारा निकल जाता है, ठीक है। ये हमारे सीट्स हो जाते हैं, ये हमारी कवर है, और यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर लगा हुआ है, जहाँ पे हमारे हीट लिक्विड जो होते हैं वो हम इकट्ठा कर लेते हैं और हमको एक कंसनट्रेशन प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। उसके बाद आता है मल्टीपास हीटर। मल्टीपास हीटर मीन्स कंसिस्ट मेनी ऑफ चैम्बर्स, मतलब इसमें बहुत सारे चैम्बर्स पाए जाते हैं, इन विच फ्लूइड्स इंटर थ्रू द फर्स्ट चैम्बर, जिसमें से पहले चैम्बर से हम
एक फ्लूड को इंटर्स कराते हैं एंड गेट आउटलेट बाय लास्ट चैम्बर्स, और लास्ट चैम्बर से हम अपने फ्लूड या हमारे जो हमारे फ्लूड मटेरियल्स हैं उसको ऑप्टेन कर लेते हैं, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है उसको ऑप्टेन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है, दे कंसिस्ट नंबर ऑफ पैरेलल ट्यूब्स, मतलब इसमें पैरेलल होता है, मतलब वो आप कहने के तिरछी टाइप की होती, तिरछी टाइप की ट्यूब्स लगी होती है। द एंड ऑफ ट्यूब्स आर फिटेड इन टू ट्यूब सीट्स एंड द ट्यूब्स आर इंक्लूड टू केजिंग ए बफर्स। बफर्स क्या होता है, आपने पेराई वराई की मशीन देखी होगी तो वहाँ पे जो मटेरियल्स को ले जाने का काम करता है, मतलब राउंड राउंड घूमता रहता है, उसी को हम बफर्स बोलते हैं। आर प्लेस्ड इन द डिस्ट्रीब्यूशन हेड, ठीक है। देयर आर टू लेट, इसमें दो लेट पाए जाते हैं, एक लेट से हम स्टीम मतलब इनलेट कराते हैं, फ्लूइड को इनलेट कराते हैं, और दूसरे से हम इसको फ्लूइड का आउटपुट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको इस चित्र के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये देखिए आप हमारे कई सारे हीटर्स लगे हुए हैं, मतलब जो बताया ना कि बहुत सारे हीटर्स लगे होते हैं जिसके कारण से वो हमारा हीट हो जाता है। ये हमारे हीटर्स लगे हुए हैं, ये हमारे एक चैम्बर, दो चैम्बर, तीन चैम्बर, चार चैम्बर, ठीक है। ऐसे हमारे चैम्बर, इस चैम्बर्स को हम बढ़ा भी सकते हैं, मतलब 9-10 से करा सकते हैं। यहाँ से हम स्टीम को इनलेट कराएंगे, मतलब सॉरी स्टीम नहीं, फ्लूड को हम इनलेट कराएंगे फॉर हीटिंग के लिए। तो यहाँ पे जो होगा हमारा वो कोल्ड हो लिक्विड होगा, बट जैसे यहाँ पे पहुँचेगा इसके कारण से यहाँ पे हमारा हॉट हो जाएगा, फिर यहाँ पे ज़्यादा हॉट होगा, यहाँ पे हॉट हो जाएगा, यहाँ पे कंडेंसेंस की व्यवस्था आ जाएगी, और यहाँ से जो हमारा हो कंसनट्रेशन प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा वर्किंग क्या है, द फ्लूड इज इंटर थ्रॉग इनलेट टू द चैम्बर डी, मतलब मैंने आपको वहाँ पे बताया कि चैम्बर डी के माध्यम से हम फ्लूड को इनलेट करा देंगे, एंड देन इट कॉन्टैक्ट विद हीट ट्यूब्स, और फिर उसके बाद वो हीट ट्यूब से कॉन्टैक्ट कर लेगा एंड बिकम हीट, जिसके कारण से वो हीट हो जाएगा जो हमारा फ्लूड है, एंड ट्रांसफर इन चैम्बर सी, और हमारा चैम्बर सी में ट्रांसफर हो जाएगा। सेम प्रोसेस डन इन चैम्बर बाय चैम्बर, और इसी तरह चैम्बर टू चैम्बर हमारा ये प्रोसेस होती जाएगी, मतलब हमारा फ्लूड है वो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता जाएगा, और हीट जो ट्यूब्स लगी हैं उसके कारण वो हमारा और ज़्यादा हीट होता जाएगा, एंड द लिक्विड बिकम वेपर एंड पासेस थ्रू आउटलेट, और हमारा जो हीट होगा वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और आउटलेट से हमको प्राप्त हो जाएगा। द फ्लूड इज डाइवर्टेड बाई बफर्स, बफर्स में हमने आपको बता ही चुका हूँ। उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन ऑफ हीटर इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, मतलब जो इसका डिसएडवांटेजेस है, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, एंड द मल्टीपल चैम्बर्स व्हिच एग्जिट पॉइंट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ पंपिंग ऑफ फ्लूइड एंड फ्रिक्शन लॉस डिसएडवांटेजेस। उसके बाद आता है हीट इंटरचेंज, दिस डिवाइस आर यूज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम वन लिक्विड टू अनदर लिक्विड और गैस टू गैस वाया मेटल वाल, मतलब मेटल वाल के द्वारा जो हमारा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है इन अ सेम स्टेट ऑफ मैटर। मोस्ट ऑफ केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूजेस ए वैरायटी ऑफ हीटर इक्विपमेंट्स, मतलब वैरायटी कई प्रकार की हमारी हीटर यूज करती हैं। इन फार्मेसी ऑपरेशन इन्वॉल्व इन द हीट ट्रांसफर इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ स्टार्च पेस्ट ऑफ ग्रेनुलेशन, मतलब जो स्टार्च होता है उसका क्रिस्टलाइजेशन करके उसको ग्रेनुलर फॉर्म में हमको ऑप्टेन करना रहता है, वो हमारी फार्मेसी के तहत एक आपका एडवांटेज मान सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, इवापोरेशन एंड डिस्टिलेशन ETC एंड बफर्स आल्सो फिटेड इन इट व्हिच इंक्रीज द पाथ लेंथ, जो पाथ लेंथ को इंक्रीज किया जाता है, मतलब मटेरियल को ईजिली पहुँचा देता है, एंड डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप, और जो क्रॉस सेक्शन हो जाता है पाइप में उसको डिक्रीज किया जाता है। व्हिच रिजल्ट इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसके कारण से फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड बफर्स आल्सो फिटेड इन इट व्हिच इंक्रीज द पाथ लेंथ एंड डिक्रीज द क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप व्हिच रिजल्ट इंक्रीज द वेलोसिटी। अब बफर्स क्या होते हैं, बफर्स आर सर्कुलर डिस्क ऑफ मेटल व्हिच वन साइड कट अवे, दिस डिस्क आर परफोरेटेड थ्रू ट्यूब्स, इट अवॉइड द लीकेज क्लियरेंस एंड स्मॉल प्रोडक्ट्स। जो लोग मतलब तेल पेराई की मशीन देखे होंगे उनको बफर्स बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में आ जाएगा, बाकी जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जब बफर्स गूगल पे डालेंगे तो आपको वहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, द बफर्स प्रोड्यूस एडिशनल टर्बुलेंस, जो बफर्स होता है वो एडिशनल टर्बुलेंस शो करता है, जिससे कि वो हमारा जो फ्लूइड है जिगजैग फॉर्म में हमारा आता जाता है, ठीक है। ट्रांसफर फॉर हीट ट्रांसफर आउटसाइड द ट्यूब्स। उसके बाद आता है लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंज, द लिक्विड टू लिक्विड इंटरचेंज इज अ सिंगल पास इक्विपमेंट वेयर इन द फ्लूइड टू बी हीटेड इज पास्ड ओनली वंस थ्रू द ट्यूब्स बिकम डिस्चार्ज, दस द हीट ट्रांसफर इन दिस केज नॉट कॉफिशियंट। कॉफिशियंट का मतलब क्या होता है कि बंटवारा कर देना, मतलब इसमें बंटवारा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसका जो हमारा है कंस्ट्रक्शन क्या है, द हीट इंटरचेंजेस कंसिस्ट ऑफ ट्यूब सीट्स स्पेयर स्लॉट्स एंड बफर्स, ट्यूब सीट्स एंड अटैच बाई गार्ड रोड व्हिच सेट स्क्रूज, मतलब उसमें स्क्रूज उसको हम कस के रखते हैं। बफर्स अटैच हैविंग परफॉर्मेंस इन व्हिच ट्यूब्स आर इंसर्टेड, देयर आर आल्सो प्रेजेंट टू लेयर्स, इसमें दो लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इनलेट एक होता है आउटलेट।
टू डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर्स, मतलब इसमें दो डिस्ट्रीब्यूशन चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, इन विच फर्स्ट चैम्बर विच इनलेट्स ऑफ कोल्ड लिक्विड, जहाँ पे हम कोल्ड लिक्विड को इनलेट कराते हैं, सेकंड चैम्बर से हम आउटलेट को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आप यहाँ पे देख ले रहे हैं, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारे ट्यूब्स हैं पूरे लगे हुए हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये जो ब्लैक पेन से, ये स्टेक ट्यूबर हैं। ठीक है, स्टेक ट्यूबर आपको इसमें ट्यूब्स मिलेंगे, बफल्स हैं, ड्रेन है। ठीक है, ड्रेन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा लिक्विड होता है उसको हम ड्रेन कर लेते हैं, उसको मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम आउटलेट प्राप्त कर लेते हैं, यहाँ से हम स्टीम को अंदर बुलाते हैं कि जिसके कारण से ये ट्यूब हमारी हॉट हो जाए, इनलेट कोल्ड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा वर्किंग, द हॉट फ्लूइड इज इंटर फ्रॉम इनलेट टू द आउटसाइड ऑफ ट्यूब्स, फ्लूइड चेंजेस द डायरेक्शन, मतलब जो फ्लूइड की डायरेक्शन होती है वो चेंज होती है, एंड राइज अगेन, उसके बाद अगेन राइज हो जाती है। बफल्स अलाउड टू फ्लो ऑफ फ्लूइड टू मोर, जो बफल्स होते हैं वो उसकी फ्लूइड को, मतलब जो फ्लूइड हमारा फ्लो होता है उसके उसको और तेज़ी से बढ़ा देते हैं कि और तेज़ी से वो फ्लो होने लगती है, एट और लेस एट राइट एंगल, एज अ रिजल्ट द बफल्स बिकम हीटेड, जिसके कारण से हमारे बफल्स जो होते हैं वो हीटेड होते हैं, विच हीट द ट्यूब्स, जिसके कारण से वो हमारा हीट ट्यूब्स को हीट कर देते हैं। कोल्ड लिक्विड इनलेट विच पासेस थ्रू कंटेनर विद ट्यूब्स एंड बिकम, ठीक है, बिकम हीट, डबल पाइप हीट इंटरचेंजेस, क्या है डबल पाइप हीट इंटरचेंजेस, आर एफिशिएंट इक्विपमेंट फॉर द हीट ट्रांसफर एज दे हैव फ्यू पाइप्स पर पास। कंस्ट्रक्शन क्या है, दे आर यू ट्यूब स्ट्रक्चर, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होता है यू शेप का होता है, टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द ट्यूब्स विदाउट नेसेसिटिंग एक्सपेंशन जॉइंट। ए डबल पाइप हीट एक्सचेंजेस कंसिस्ट ट्यूब इन ट्यूब, मतलब इसमें जो होता है ट्यूब होते हैं वो ट्यूब इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के अंदर ट्यूब जॉइंट होते हैं। द इनर पाइप इज यूज टू द पंपिंग ऑफ कोल्ड फ्लूइड टू बिकम हॉट। मैं अभी आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से बनाऊंगा बताऊंगा तब आपको कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। द ग्लास ट्यूब मेड अप ऑफ आयरन ग्रेफाइट मटेरियल यूज फॉर द कंडक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से तो आउटसाइड हमको प्राप्त होता है, इनलेट हम कहाँ से कराएंगे, यहाँ से इनलेट। अब हम यहाँ से इनलेट कराए, आपको जो ये रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, इसमें हमारा क्या है हॉट लिक्विड भरा हुआ है, और जो हमारा मटेरियल होता है वो मटेरियल हमारा जो यहाँ पे ग्रे कलर का आपको देख रहे होंगे ना, ग्रे कलर से हमारा जो फीड होता है उसको हमारा इनलेट कराते हैं। और जो ये लगा हुआ है आप देख रहे हैं जगह जगह पर नुक्कड़ नुक्कड़ पर ये लगे हुए हैं, इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जहाँ से इसका पार्टीशन हो जाता है। मतलब अब इसका कहने का क्या मतलब है, देखिए आपको जैसे इसका आपका टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड है, आपको जो लिक्विड प्राप्त करना है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका वेपोराइज होता है, तो आप यहाँ पर एक फ्लैंज लगा देंगे जिसके कारण से यहाँ यहीं से हमको लिक्विड प्राप्त हो जाएगा। बट आपको 90 पे क्रॉस करना है तो ये 90 के लिए हो जाएगा, 120 के लिए करना है तो 120 के लिए करें, मतलब इसमें काफ़ी एडवांटेजेस हैं इसके। उसके बाद आता है हमारा वर्किंग, इसकी द हीटिंग मीडियम हॉट लिक्विड इज पम्प्ड इनटू द आउटर जैकेट, मतलब जो हम हॉट लिक्विड होता है मतलब प्री हीटेड लिक्विड होता है उसको आउटर जैकेट के माध्यम से उसको पम्प्ड कराते हैं, एंड सर्कुलेट थ्रू द एनुलर, और एनुलर की सहायता से हम उसको सर्कुलेट करा देते हैं स्पेस बिटवीन देम, कैरी आउट वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। और जो हमारा लिक्विड होता है एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में हमारा ट्रेवल करता रहता है। द कोल्ड फ्लूइड इनलेट विद इन कॉन्टेक्ट विद ट्यूब्स एंड बिकम हॉट। यूजेस क्या है, यूजफुल when not more than 0.9 to 1.4 meter square of surface is required। Thanks for watching। वीडियो आपको हमें पता है कि ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा, बट जो भी समझ में आया है मैंने आपको समझाने की बहुत अच्छी से कोशिश की है। बाकी अब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप टेलीग्राम से या व्हाट्सएप से ज्वाइन हमारा करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लास्ट तक देखें। आप बीच में अगर वीडियो को पॉज करेंगे या भगा के देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। एंड फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है मेरी कि कमेंट्स तो बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं कि आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आप बहुत अच्छा समझा रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि आप लोग इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, जिसके वजह से हमारे सब्सक्राइबर बढ़ तो रहे हैं लेकिन उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ें एंड वॉच टाइम भी बढ़े। वॉच टाइम तो वैसे बढ़ रहा है, हम लोगों का आप समझ लो कि हमारा 15,000 वॉच टाइम कंप्लीट होने वाला है, तो उससे कोई टेंशन नहीं, बट सब्सक्राइबर बढ़वाइए दोस्त। एंड थैंक यू, हम नोट्स अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। थैंक यू।